ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज हम बात करेंगे काला कलवा 64 वीर के बारे में। कहते हैं कि ये एक ऐसी साधना है जिससे कि आप काला कलवा को अपने अधीन कर सकते हैं, और ये कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो अदृश्य रूप से आपके साथ चलती हैं। जब आप काला कलवा को अपने अधीन कर लेते हैं तो उसके बाद आप इससे अपना मनचाहा काम करा सकते हैं। सिद्ध तांत्रिक वही होता है जो काला कलवा को नकेल डाल सके। ये बहुत ही खतरनाक साधना है, लेकिन फिर भी ऐसे तांत्रिकों की कमी नहीं है जिनके पास ये काला कलवा होता है। काला कलवा एक ऐसी साधना है जिससे कि आप दूसरी दुनिया से कोई शक्ति अपने अधीन कर लेते हैं, और जैसी आपकी इच्छा हो वो उसी प्रकार काम करती है। मारण वशीकरण, ये दो कर्म इसी से किए जाते हैं। अगर कहीं मारण और वशीकरण कर्म कोई तांत्रिक कर पाता है तो उसके पीछे काला कलवा ही होता है, और इसका वशीकरण इतना प्रभावी होता है कि किसी के छुड़ाए ना छूटे। काला कलवा या कच्चा कलवा, इस साधना को ग्रामीण लोग इसी नाम से जानते हैं, और इसकी साधना 41 दिनों की होती है। 41 दिनों में काला कलवा आप सिद्ध कर सकते हैं। सिद्धि के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 999-284-1625। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कच्चा कलवा या काला कलवा को आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन जो जिज्ञासु पैसे खर्च ना करना चाहें और चाहते हैं कि वो अपने आप ही सिद्ध कर लें, तो उनके लिए भी मैं कोई समाधान बताऊंगा, कोई रास्ता निकालूंगा। लेकिन इसमें प्राण तक की हानि हो सकती है। अगर कच्चा कलवा आपसे वश में नहीं हुआ तो इसके परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। कच्चा कलवा यूं समझिए शैतानी ही शक्तियां हैं जिन्हें आप काबू में करने जा रहे हैं। तो मैं आपको मंत्र दे देता हूं। इसका आपको आधी रात 12 बजने के बाद यथासंभव जितना हो सके उतना सरसों के तेल का दिया जलाकर अपने सामने रखें, कुछ सुगंधित पुष्प रखें, लोबान, अष्टगंध, ये सब सामने रखें, और नवेद ये भी साथ में रखें। लेकिन ये पूरे जो 41 दिन होंगे, इन 41 के 41 दिनों में आपको रखना है। पूर्वमुखी होकर इस मंत्र का यथासंभव 12 बजे के बाद जितना भी जाप हो सके वो आपको करना है। मंत्र है, काला कलवा काली रात, मैं जगावा आधी रात, सुत्ती को जगाई के बैठी को उठाई के मेरे पास आना, चले मंत्र फेरे, देखो कलवा तेरे मंत्र का तमाशा। तो इस मंत्र से आप किसी का वशीकरण भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कलवा को आकर्षित करना हो तो वो भी इसी से आकर्षित होगा, उसका आवाहन भी इसी मंत्र से किया जाता है। 41 दिनों तक कीजिएगा, और अगर इस बीच में कहीं से कोई आवाज़ आए तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर कलवा प्रकट हो जाए तो उसको आप कोई मिठाई या फिर खून के छींटे दे सकते हैं। वैसे तो बहुत मुश्किल है उसको प्रसन्न करना, लेकिन फिर भी कई लोग जो होते हैं वो हफ्ते भीतर भी इसको देख सकते हैं। तो जब भी वो आए तो आपको क्या करना है, कोई मिठाई कुछ ऐसा उसके लिए उपहार रखना है कि वो आपकी बात टाल ना सके। अगर जान पे बनाए तो आप ऐसा करना कि थोड़े से अपने खून के छींटे डाल देना, जैसे अपने साथ एक सुई रखना, और जैसे ही वो आए तो आप अपने कोई भी उंगली में से 2-3 छींटे खून के निकाल सकते हैं।
इसके बाद वो शांत हो जाएगा। अब उस दिन से लेकर आपको ये साधना नहीं करनी है। जैसे ही कलवा आपके समीप आए, आपको ये बंद कर देनी है। अब यूं समझिएगा कि जो भी आप कहेंगे, काला कलवा आपके लिए वो करेगा। आपको बस आदेश देना है, जो भी आपको चाहिए, जो भी आप, अगर कोई आपका क्लाइंट है, उसकी कोई ऐसी समस्या है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं काले कलवे से, तो बस उसको कहिए कि मुझे ये चाहिए, तो काला कलवा वो करके देगा। और इस साधना में कुछ सावधानियां हैं जो आपको गुरु से ही मिल सकती हैं। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं है, एक बार संपर्क अवश्य करना, क्योंकि इसमें जो है नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत हैं। क्योंकि इसमें हम दूसरी दुनिया से परलौकिक शक्तियों को बुलाते हैं, इसलिए इसमें जो है जान का खतरा भी हो सकता है। तो पहले इस पर बहुत सारे रिसर्च करें और उसके बाद काले कलवों के, या फिर इसको मसान भी कहते हैं, इसको जगाना शुरू करें। इसकी साधना मैं आपको करा दूंगा, उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो 9982416125 पर। धन्यवाद।